नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के करीम नगर से दो दिन पहले लापता हुआ किशोर का शव गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 को पानी भरे गड्ढे से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृत किशोर की पहचान करीम नगर निवासी अजमत अंसारी के 14 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तौफीक अंसारी के रूप में की गई है। मृत किशोर के परिजनों का कहना है कि मृतक तौफीक मोहिउद्दीन नगर बाजार में सिलाई कढ़ाई का काम सीखने जाता था, जहां से मंगलवार को हुई भारी बारिश के बीच जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अचानक गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 को स्थानीय ग्रामीणों ने पानी भरे गड्ढे में एक शव को उपलाते हुए देखा। शव मिलने की सूचना पर जब वह लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उक्त शव दो दिनों पूर्व लापता हुए मोहम्मद तौफीक की ही थी, जिसके बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। लापता युवक के शव मिलने की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष आनंद कश्यप घटना स्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मौके पर स्थानीय विधायक प्रतिनिधि रवीश कुमार सिंह, समाज सेवी राम उद्गार राय, उप प्रमुख मोहम्मद सिराज अंसारी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आहिया खान आदि मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार।